सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक गेंदबाज को चोट लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उनके शॉट से भारतीय मूल के नेट गेंदबाज के सिर में गेंद लग गई, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े और दर्द से कराहने लगे। इसके बाद गेंदबाज को स्ट्रेचर पर रखकर मैदान से बाहर ले जाया गया। अस्पताल जाते वक्त गेंदबाज ने कहा, मुझे सिर में चोट लगी है, अब मैं ठीक हूँ। मेरा नाम जय किशन है और मैं तेज गेंदबाज हूँ। आईसीसी के प्रबंधक माइकल गिब्सन ने बताया कि जय किशन को 24 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। बता दें, नेट गेंदबाज को चोट लगते ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खिलाड़ी सदमे में आ गए। प्रैक्टिस सेशन वहीं रोकना पड़ा। हालांकि आईसीसी के प्रबंधक माइकल गिब्सन के बयान के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और अभ्यास दोबारा शुरू किया, लेकिन वो परेशान दिखे, वो एक कोने में बैठे रहे। हालांकि बाद में वो टीम से जुड़ गए। घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने कहा, उन्होंने जो शॉट खेला उससे गेंदबाज को चोट लग गई, उससे वॉर्न सदमे में है। हमें बताया गया है कि वह अस्पताल में है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप के फैन हैं और वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहां आपको मिलेगी वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।